पूर्वी यूक्रेन में मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी में है रूस। जिन हिस्सों को मान्यता दी वहां पर बेस बना सकता है रूस। देखिए अब ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है और इसकी संभावना पूरी तरह से बनी हुई थी। डोनबास के नए समझौते में आर्मी बेस बनाने का प्रावधान है, यानी डोनबास रीजन में अब रशिया का मिलिट्री बेस होगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई और यूक्रेन को इसी बात का खतरा था। यही बार बार खतरा, इसी खतरे का अंदेशा जताया गया यूक्रेन की तरफ से कि अगर ऐसा होगा तो यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा बनेगा ये कदम, और अब उसकी तैयारी रशिया करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सुरेश कुमार गोयल साहब, हल तो कुछ निकलता हुआ फिलहाल हम देख नहीं रहे, और ये जो अमेरिका और चीन के बीच वार्तालाप हो रही है इसका कितना असर पड़ेगा रूस के ऊपर? देखिए, अमेरिका और चीन की जो वार्तालाप बातचीत हो रही है इस समय जी, ये किस लिए कर रहे हैं बिडेन, ये तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। एक ही हमारे दिमाग में विचार है, क्योंकि यूएस को आशंका हो सकती है कि अगर यूक्रेन की जंग छिड़ी तो कहीं चीन उसका फायदा उठाकर ताइवान पर हमला ना करे और ये जो युद्ध है इंडो पैसिफिक की तरफ भी फैल जाए। तो अगर बाइडेन के मन में ये विचार है, ये शक है और वो उसको लेकर के चीन से बातचीत कर रहे हैं तो मेरे मन में बनता है कि हाँ बात सही है। लेकिन मुझको नहीं लगता कि अगर बाइडेन ने कहा कि भाई आप थोड़ा जरा परे रहिएगा वो करेंगे तो चीन उस बात को क्यों मानेगा। चीन का फायदा तो इसमें है कि रशिया और यूएस का और या यूरोप का झगड़ा हो ये, और उस झगड़े में वो अपना काम बना ले वहां पर, ये तो ये चल रहा है और यही डर है कि इसकी वजह से ये युद्ध खाली यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके आसार तो हैं ही कि अगर जंग छिड़ती है तो वो सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी और तमाम जो दुनिया के शक्तिशाली मुल्क हैं वो इस जंग में कूदेंगे और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यही वजह है कि इस खबर की गंभीरता को समझते हुए TV9 भारतवर्ष लगातार इससे जुड़ी अहम खबरें दिखा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।